सत श्री अकाल जी, नमस्कार सारे भाइयों को। मैं आपका भाई जसप्रीत सिंह गिल, शेरे पंजाब स्टेबल्स एंड स्टड फार्म से। जैसे आप सब मेरे को जानते ही हैं, आज हमारे स्टड फार्म में एक एक्टिविटी हुई है, और जैसे आपको पहले ही पता है, मैं ज़्यादा मोस्टली जो इंटरव्यूज़ हैं अपनी वीडियोज़ हैं हिंदी में बनाता हूँ, बिकॉज मेरे को जो चाहने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया है, तो इसलिए मैं पंजाबी को कम बोल के हिंदी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, सो दैट कि सारी स्टेट्स वालों को मेरी वीडियो समझे। आज जैसे ही आप देख रहे हैं, मेरे साथ मेरे भाई लोग हैं कुछ। आज हमारा एक हमारे नए परिवार में, हमारे घोड़ों के परिवार में एक वृद्धि हुई है, बढ़ाई हुई है, बिकॉज ये भाई हैं जिन्होंने अपनी पहली घोड़ी ली है, दोबारा से काम स्टार्ट किया है, पहली घोड़ी ली है और ये हमारे फार्म पे आए हैं। तो आओ पहले मैं इनका आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जगदीप जी। हाल चाल है जी? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई जी की हाल चाल? ठीक ठाक, मैं बहुत बढ़िया जगदीप जी। भाई जी बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद ते वेलकम कि तुसी साडे फार्म ते आए हो जी। जी ते बहुत चंगा लग्या थोड़े नाल मिलके। तो थोड़ा हुण जी पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये जो घोड़ी है इसका नाम हर नूर है, और ये फतेह घोड़े की बच्ची है, जो फतेह जसवीर जस्सर जी के पास था घोड़ा। लास्ट जो दिनों में उसने जसवीर जस्सर जी के पास रहा है, एडम का बेटा है, उसकी बच्ची है ये। और जो इसकी इसकी माँ है वो ग्रे कलर की घोड़ी है, और वो मक्खन की घोड़ी है जो अभी चंडीगढ़ के पास रिंकू जी के पास है। और एक बड़ी बात ये है कि जो इस घोड़ी की माँ है वो राज केसरी, जो घोड़ा है हमारे पंजाब का एक बहुत फेमस घोड़ा है, उस घोड़े की सकी बहन है। एक ही मतलब ये घोड़ी इसकी माँ और राज केसरी एक ही माँ के बच्चे हैं। तो घोड़ी बहुत अच्छी लाइनेज कैरेज कर रही है, और अभी हमने ये घोड़ी इन भाई साहब को दी है, और इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ? और पहले तो मैं आप सबको जी बधाई हो, कंग्रेचुलेशन की आपने एक अच्छी घोड़ी ली और हमारे मज्जू के लाइन की ली, पंजाब की लाइन ली है। हाँ जी वीर जी, आपको कैसा रहा? बहुत वधिया लग्या। हाँ जी, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨੂਰ ਪਸੰਦ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘੋੜੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਹਰਨੂਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਗਿਆਪਾਲ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਆਪਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਆਹ ਫੜੋ, ਆਹ ਡੇਟਾ ਸਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, थैंक यू वीरे, मतलब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने आपने हमारे को सेवा का मौका दिया और हमारे ऊपर ट्रस्ट किया। अब मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, क्योंकि ये भाई साहब ने पंजाबी में बोला है, मैं आपको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके बताता हूँ, क्योंकि जिस दिन हमारी घोड़ी भाई साहब लोग देखने आए थे उस दिन ये घोड़ी को सिर्फ 8 या 9 दिन हुए थे क्रॉसिंग कराए हुए। डायमंड शेरे पंजाब जो मेरे पास ही घोड़ा है, मैंने उससे क्रॉसिंग कराई थी, और भाई साहब ने उसी दिन सौदा फाइनल करके डन कर लिया था, और इन्होंने मेरे को टोकन अमाउंट दे दिया था। अगर मैं चाहता तो मैं उस दिन भी इनको घोड़ी ले जा दे सकता था कि भाई साहब आप घोड़ी ले जाओ, अगर खाली निकल गई वापस घोड़ा छोड़ देंगे, पर जैसा मेरे भाई साहब मुझे बड़े भाई बहुत अच्छे लगे, बहुत मान सम्मान दिया, तो हमने इनको ये बात बोली कि जब तक घोड़ी प्रेग्नेंट चेक पास नहीं होती तब तक हम घोड़ी अपने पास रखेंगे, और उसके लिए हमने इनसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले। नहीं, जो डील हुई उसी हुई। आज घोड़ी 40 डेज की कन्फर्म हुई है, और इसलिए हम इनको घोड़ी दे रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं अपने बड़े भाइयों को एक जो सर्टिफिकेट है, जो आपको पता है हमारे फार्म की प्रथा है, हम सबको देते हैं, ये घोड़ी है हरनूर, उसकी फोटो है, ये मेरे फार्म का लोगो है, एड्रेस है, और इसके ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई है कि दिस इज टू बी सर्टिफाइड दैट हरनूर इज शेयर्ड बाय स्टेलन फतेह, ग्रैंड शेयर्ड बाय एडम, शेयर्ड बाय स्टेलन नीला मज्जू के लाइन, और जो इसकी माँ है, इस घोड़ी की जो माँ है वो शेयर्ड बाय मक्खन है। और ये किस कहाँ पे ब्रीड हुई थी, जो हरनीर है, जो सुखजिंदर सिंह ब्रदर है, सुखजिंदर सिंह जी हैं टांडा एरिया में, उनके घर में पैदा हुई थी, और इसकी माँ भी उन्हीं के घर में पैदा हुई थी, जो एक ही मतलब माँ और बेटी एक ही घर में पैदा हुई थी, उनसे मैंने ये बच्ची खरीदी थी। और अभी मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि ये जो घोड़ी है, ये मैंने जो डायमंड से प्रेग्नेंट कराई है, डायमंड का पासपोर्ट नंबर इतना है, कितनी तारीख को मीटिंग कराई है, 6 मार्च को मीटिंग कराई है मैंने अपने फार्म पे,
तो मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ कि जो भी इसका अपकमिंग बच्चा आएगा जी, जैसे अब मैंने इसको डायमंड से कवरिंग कराया, अगर इन केस वो बच्चे का कल को डीएनए ना मैच हो तो मैं आपका जो भी आप पैसे बोलोगे वो देनदार हूँ, क्योंकि ये घोड़ी मैं अपने हाथों से कवर कराई है, मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूँ। और ये मैं भाई साहब को हैंड ओवर कर रहा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू, थैंक यू वीर जी, और बहुत उम्मीद करते हैं कि अपन बहुत लंबे टाइम आगे जाएंगे जी, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी, ओके, थैंक यू, सत श्री अकाल जी, सारे वीरों, ओके बाय।